अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया भर के नेता बधाई दे रहे हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बाद अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी बधाई दी है। अमेरिका के चुनावी परिणाम आने के बाद यह पुतिन की पहली सार्वजनिक टिप्पणी है। पुतिन ने काला सागर स्थित सोची रिसोर्ट में एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम के सम्मेलन में दिए हुए भाषण के बाद यह टिप्पणी की। पुतिन ने एक सवाल जवाब सत्र में कहा कि इस अवसर पर मैं अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने पर उन्हें बधाई देना चाहता हूं। जुलाई में एक रैली में हुए हमले के दौरान ट्रंप के साहस को पुतिन ने स्वीकार किया और ट्रंप को एक असली आदमी बताया। दरअसल रैली के दौरान गोली ट्रंप के कान पर लगी थी। उन्हें सीक्रेट सर्विस ने घेरा हुआ था। इसके बावजूद ट्रंप उस घेरे से बाहर निकले और लोगों को हाथ दिखाया। पुतिन ने कहा कि मेरी राय में उन्होंने बहुत ही सही तरीके से साहसपूर्वक एक असली आदमी की तरह व्यवहार किया। मैं इस मौके पर उन्हें चुनाव की बधाई देता हूं। अमेरिकी चुनाव अभियान के दौरान ट्रंप ने घोषणा की थी कि वे ऑफिस संभालने के 24 घंटे के अंदर ही यूरोप में युद्ध खत्म करने की योजना बना रहे हैं। पुतिन ने कहा कि ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान यूक्रेन के बारे में और रूस से संबंध सुधारने पर जो कहा था उस पर ध्यान देना चाहिए। पुतिन ने कहा कि मुझे नहीं पता कि अब क्या होने वाला है। जब पुतिन से यह सवाल किया गया कि अगर ट्रंप ने मीटिंग का सुझाव देने के लिए फोन किया तो वे क्या करेंगे, इस पर पुतिन ने कहा कि अगर ट्रंप प्रशासन ऐसा चाहता है तो वह फिर से संपर्क शुरू करने और ट्रंप से बातचीत को तैयार है। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 2.5 साल से ज्यादा समय से युद्ध चल रहा है। ट्रंप लगातार दावा करते रहे हैं कि अगर वह राष्ट्रपति होते तो ये युद्ध ही ना होता। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।